पूरे विश्व में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच संपूर्ण भारत में लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को घर में रहने की सलाह दी जा रही है। इस दौरान वैश्विक आर्थिक मंदी एवं दैनिक मजदूरों के बेरोजगारी की वजह से कई परिवारों में भोजन की समस्या उत्पन्न होने लगी है, जिसे देखते हुए आज नीरज सोनी और उनके साथी के द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर जरूरतमंद लोगों के बीच में खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। वहीं नीरज सोनी ने सड़कों पर रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले लोगों के बीच में भी राहत सामग्री दिया। राहत सामग्री पाकर लोगों में काफी खुशी देखी गई। वहीं नीरज सोनी ने बताया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा, इस तरीके का कार्यक्रम हम लोग क्षेत्र में लगातार करते रहेंगे, ताकि कोई भी जरूरतमंद गरीब भूखा ना रह सके। आज जो कोरोना वैश्विक महामारी है, आप लोग राहत सामग्री लेकर वितरण कर रहे, कहाँ कहाँ वितरण किया? अभी हम लोग अभी आ रहा रमना मैदान के पास जो है, लोग वहाँ पर वितरण किए हैं, जमड़ा वितरण किए हैं, फिर सनवाद ऐसे लोग वितरण करते हुए, जो आता है गरीब है उन लोग के लिए हम लोग सेवा मिल जाती है। क्या क्या वितरण सामग्री में रखा तो? चावल है, ये आता है, आलू है, फिर बना पूरी सब्जी भी है, मतलब बना बनाया और कच्चा सामग्री दोनों चीजें हम लोग अवेलेबल करते हैं। किसके साथ देना चाहिए आप लोग? ये हम लोग तो अपने तौर अपने फ्रेंड दोस्त सर्किल के हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नीरज सोनी। जो आप लोग राहत सामग्री वितरण कर रहे हैं, अभी कहाँ पर जाएंगे, किस तरीके का? ये जो राहत सामग्री बांटा, विभिन्न चौक राहत पर बांटा गया, बस स्टैंड, रमना, दलित बस्ती, रमना डुम्बाड़ी, और हम लोग का गरीबों का जरूरतमंदों तक पहुँचाना है। और अभी हम लोग जमीरा की ओर जा रहे हैं, और विभिन्न चौक राह पर जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोग को वितरित किया जाएगा। और ये प्रयास आगे जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक हम लोग का चलते रहेगा ये प्रयास। और हम लोग गरीबों का सूची भी मांग के, जिस वार्ड में देखा जा रहा है जो बहुत असहाय लोग हैं, उन लोग को बीच बीच सूची तैयार करके हम लोग अपने स्तर से सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। रितेश कुमार वर्मा।